बेगूसराय में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने विपक्ष के द्वारा बजट को झुंझुना बताने को लेकर कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हालत विपक्ष की है। वहीं लालू यादव के विशेष राज्य दर्जा नहीं मिलने पर नीतीश के द्वारा सरेंडर करने पर कहा कि राजनीति सत्ता के लिए होती है और सरकार बनाकर लोगों की सेवा करने के लिए होती है। अगर लालू जी को इतनी चिंता थी तो 2010 से 2014 तक मंत्री थे तो मनमोहन सिंह सरकार से क्यों नहीं दिलवा दिया था। दरअसल लालू यादव ने बिहार को विशेष दर्जा न मिलने को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, केंद्र ने नीतीश के हाथ में झुंझुना थमा दिया है। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा और ये लालू जी, नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया नहीं मिलने पर। वहीं लालू यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए बेगूसराय पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि समस्या ये है कि विपक्ष के पास छाती पीटने के अलावा कुछ है ही नहीं। विपक्ष जब सत्ता में थे बरसों सत्ता में रहे 2014 से पहले तक, लेकिन कभी भी इस लेवल का निवेश और संसाधन नहीं दिया। समस्या क्या है ना, विपक्ष के लिए तो छाती पीटने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। विपक्ष से एक ही सवाल आप पूछिए, भाई आप लोग सत्ता में रहे तो बरसों तक सत्ता में लोग रहे, 2014 प्रतिम सत्ता में कभी भी जिस स्तर का जिस लेवल का निवेश और संसाधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से बिहार को उपलब्ध कराया कभी हुआ था क्या? ये झुंझुना नहीं है जी, ये तो बताया ना मैंने करीब 70,000 करोड़ रुपये का संसाधन जो है अपने प्रदेश को मुहैया कराया गया है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि देख करके इस खंभा मौजूदा करे झुंझुना नहीं है कि बिहार को प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारतवर्ष विकसित राष्ट्र तभी बनेगा ना जब बिहार भी विकसित राष्ट्र। ये जो विपक्ष की बहुत ही शॉर्ट साइटेड सोच है, क्या बिहार भारतवर्ष का हिस्सा नहीं? यही विपक्ष के लोग रोना रोते कह रहे हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बिहार को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए अपना बढ़ करके काम किया है तो कहते हैं कि साहब बिहार ही राज्य ऐसा थोड़ा है। ये जरा बता दीजिए जितने और भी राज्य हैं उनको नहीं मिला है क्या? जिनका आप नाम लिए श्रीमान लालू, 2004 से 2014 तक आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें रेल मंत्री थे और बहुत मजबूत उनके ये सहयोगी। आप याद करिए हम लोगों ने बिहार में 2012 के जमाने में ही विशेष राज्य का दर्जा का चलाया था, पूरा का पूरा गांधी मैदान को पढ़ दिया था। पहली बार दिल्ली में जो रामलीला मैदान उसको भर दिया था, हम लोग मनमोहन सिंह से मिलकर शरद जी के नेतृत्व में उनको ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद रघुराम राजन रिपोर्ट कमेटी भी आई थी, लालू जी तो उसमें थे। अगर उनको लगता है कि भाई हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए दिला दिए होते। विपक्ष के सरकार बचाने वाले बजट पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राजनीति किस लिए होती है? राजनीति होती ही है सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अगर पार्टी उस दल की, उस अलायंस की जो सोच है, जो नीति है, वो उस जमीन पर लागू करने के लिए सरकार क्या बचाना है, जो हमारे साथ सहयोगी हैं उन सबको क्या चाहिए, जो जहाँ है, जो उनके साथ वादा किया है वो निभाया जा रहा है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।